अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑमलेट, जिसको हम बन के साथ, ब्रेड के साथ या फिर रोटी या चपाती के साथ बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल वे में हम बनाकर तैयार करेंगे। ये देखने में जितना शानदार दिखाई दे रहा है, ये टेस्ट में भी उतना ही मज़ेदार बनकर तैयार होने वाला है। बहुत ही आसान और सिंपल वे में बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दो अंडों से हम ऑमलेट बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पैन ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल के हल्के से गर्म होने पर बारीक कटी हुई 2 चम्मच प्याज डालेंगे हम इसमें। प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। ये ऑमलेट बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी हम ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। प्याज और हरी मिर्च को हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, इसको भी हल्का सा मिला लेंगे हम। बस ये सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है हमें। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे 1 मिनट बाद। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें अंडों को मिक्स कर देंगे। एक बॉल ले लेंगे और उसमें 2 अदद अंडे डाल लेंगे हम। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इन अंडों में जो तली हुई प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया है उसको ऐड कर देंगे। अब हम चंद स्पाइसेस मिलाएंगे। 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हम। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हम, और 1/4 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, और विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को अंडे में मिला लेंगे हम। करीब 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेम पैन में 2 चम्मच ऑयल और डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो मिक्सचर अंडों का बनाकर तैयार किया है उसको डाल देंगे। डालना है हमें। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लीजिए अब हमें रखे हुए 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेंगे। देखिए नीचे से अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको पलट सकते हैं। हल्के हाथ से इसको पलट दें, ये नहीं टूटेगा। देखिए इस तरह से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको कवर करके अगले 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारा गैस का फ्लेम लो है। लीजिए अब हमें रखे हुए और 2 मिनट हो चुके हैं। कुल 5 मिनट हो चुके हैं हमें अंडा फ्राई करते हुए, कि हम लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं अंडे को, ताकि हमारा अंडा ना जले। इस वजह से हमें टाइम लग रहा है 4 से 5 मिनट। लीजिए 1 से 2 बार इसको पलट लेंगे। हमारा ऑमलेट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे चंद सेकंड के लिए अच्छी तरह से क्रिस्पी बना लेंगे, ताकि अंदर और बाहर दोनों साइड से हमारा ऑमलेट अच्छी तरह से पक जाए। लीजिए अब हमारा ऑमलेट रेडी है। गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑमलेट को सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। लीजिए हमारा शानदार सा ऑमलेट सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से ऑमलेट बनाकर हम बच्चों को स्नैक्स के टाइम पर ब्रेड के साथ या फिर बन के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। मॉर्निंग के बिजी टाइम पर भी हम जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।